हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ बोकारो मॉल में। तो यहाँ पे ना बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज चलो चलते हैं। और ये है ना, ये है हमारे मॉल का पीछे वाला दरवाज़ा और ये है फ्रंट का। ये देखो, ये हमारे बोकारो का सबसे फेमस जगह है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको ना सब कुछ खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ड्रेसेस वगैरह, शूज़, घड़ी, फोन्स, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। ये एक प्लेस ऐसा है ना, ऐसा प्लेस ही इसको बनाया गया एक स्पेसिफिक जगह में। बहुत सारे स्टोर हैं यहाँ पे और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। तो मैं ऊपर जा रही थी, अभी टाइम था फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्टार्ट होने में, इसलिए ना मैं इधर उधर घूम रही थी बहुत ज़्यादा ताकि मुझे ऊपर जा कर के बोर ना होना पड़े। अभी सब लोग रेडी हो रहे थे। तो ये देखो बाटा है, बट यहाँ से लिटरली मैं नहीं ख़रीद पाऊँगी, मेरे औकात से बाहर है ये सब चीज़। यहाँ से मैं कुछ भी नहीं ख़रीद सकती, यहाँ पे बस मैं खाने के लिए आती हूँ, वो भी मोमोज। ये देखो, मेरे को ना कुछ डेकोरेशन का भी सामान ख़रीदना था, बट मैं फुटपाथ से खरीद लूँगी यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बताऊँ क्यों महंगा लेता है, बताती हूँ। क्योंकि ना ये एक बहुत फेमस जगह है, इसके अंदर दुकान, मतलब इस मॉल के अंदर अपना दुकान को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते हैं। वो उनकी चॉइस है, लेना या नहीं लेना हमारा चॉइस है। तो मैं फिर कैफेटेरिया में चली गई और यहीं पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, जिसमें कि बहुत ही मज़ा आएगा। फिर मैं जा कर के बैठ गई और काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। ये देखो, ये एक ट्री है और ये हमारी मैम है जो कि होस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे जजेस भी आए हैं जो कि ये बोकारो मॉल के मैनेजर, फाउंडर, ये सब फाउंडर तो नहीं है बट यू नो जो संभालते हैं, तो सबको आए हुए थे और सबके पेरेंट्स आए हुए हैं संभाल रहे। ये देखो हमारी राधा रानी कितनी क्यूट लग रही है। और यहीं पे सब लोग वॉक करेंगे और मैं तो बस वेट कर रही थी कब स्टार्ट होगा। आधा घंटा हो गया था बट स्टार्ट नहीं हो रहा था। और ये जो मैम है ना, ये सॉन्ग आ रही है, मैं सुनाती हूँ। फिर फाइनली फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। रुको, मैं आप लोग को साउंड के साथ सुनाती हूँ। एक्चुअली ना इसे कुछ बोलने के लिए बोला जा रहा था बट ये बोल नहीं रही थी, डर रही थी। और बहुत तरह के लोग बने हुए थे, मैगी। और ये आई थिंक, सॉरी टू से बट मुझे ऐसा लग रहा है ये भेड़ बनी हुई है। तो हाँ, सही में ही ये बनी हुई है। और फिर मुझे ना भूख लग गया तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी किस स्टॉल पे जाऊँ। बहुत कुछ था बट आपको तो पता है मुझे मोमोज़ कितना ज़्यादा पसंद है और यहाँ का तो सबसे मेरा फेवरेट है। तो मैं चली गई और अपना ऑर्डर दे दी वेज मोमो मानिया का। मील था उसमें, बर्गर और पेप्सी भी मिलता है साथ में और मोमोज़ मिलता है फ्राइड। तो ये मैं एक सिंगल मील ऑर्डर करी। जब तक ऑर्डर मेरा आ रहा था तब तक मैं एंजॉय कर रही थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन को बैठ कर की, क्योंकि आगे जा रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं पीछे आ कर के बैठ गई। और उसके बीच में ही फिर से स्टार्ट हुआ ग्रुप बी का। और आई थिंक ये सरस्वती माता है, यस ये सरस्वती माता है बनी हुई है। इनको भी बोलने के लिए बोला जा रहा था बट यू नो माइक भी रहे फिर भी बच्चों लोग से उतना आवाज़ नहीं निकल पाता है, वो डर जाता है ना इतने लोग को देख करके। इसलिए बच्चे, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी ना कि माइक का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। और ये आई थिंक झारखंडी बॉय ट्री है, इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। थोड़ा कॉन्फिडेंस था ये, मतलब कॉन्फिडेंट था और जजेस लोगों को भी बहुत पसंद आया था। और ये बोल भी अच्छे से रहा था, मैं आवाज़ कट कर दी हूँ बट ये अच्छे से, क्योंकि ना बैकग्राउंड में ना सॉन्ग बज रहा था, अगर मैं ऐड करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। फिर मेरा ऑर्डर आ गया 10-15 मिनट में, थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और फिर मैं ना अपने मील को एंजॉय कर रही थी, मुझे भूख लगा हुआ था और मोमोज़ मेरा फेवरेट 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 है हमेशा से ही।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिलता है मोमोज़ खा करके। और ये जो बर्गर है ना, ये मोमो वाला ही बर्गर है, अंदर में फीलिंग है वो फ्राइड मोमोज ही भरा हुआ है। और ये पेप्सी मिला था मुझे साथ में। ओके, ये कॉम्बो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं किसी के साथ भी आती हूँ तो ये खाती हूँ ज़रूर। और फिर उसके बाद ना मेरा मील ख़त्म करके मैं कुछ भी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ से जाने का सोची, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो अभी भी हो रहा था, बट ओके 7:30 हो चुका था। और घर से मम्मा फ़ोन तो नहीं की थी, बट मैं क्योंकि ना मम्मा को बोल दी थी मम्मा मैं वीडियो बनाने जाऊँगी तो लेट हो सकता है, बट फिर भी मेरा क्या फ़र्ज बनता है, मैं जल्दी से घर चले जाऊँ, है ना। तो मैं करीब 8 बजे तक घर पहुँच गई थी, क्योंकि ये सेक्टर 4 बहुत दूर है मेरे घर से, बहुत ज़्यादा दूर। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा दूर। मैं तो बाइक लेकर के आती हूँ तो पता नहीं चलता, वरना बहुत दूर है। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय।